खबर सर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछी मुनिबेदिता। दशबंधु बहु चर्चित परी हत्या मामला एही घटना रे हाईकोर्ट रे दायर होला जनस्वार्थ मामला। तबे भारतीय विकास परिषद पक्षरु एही मामला दायर होईछी। सीबीआई तदंत पई एथिरे आवेदन करा जाइछे एवं या सहित सरकार डीजीपी नयागढ़ एसपी पक्षभुक्त करा जाइछे एवं ता सहित नयागढ़ एसडीपीओ नयागढ़ सदर आईआईसी को पक्षभुक्त करा जाइछि। वर्तमान समय बड़ खबर जहाँ आसुच्छ बहुचर्चित नयागढ़ परी हत्या घटन हाइकोर्ट में दायर हो जनस्वार्थ मामला एवं भारतीय विकास परिषद पक्षर यह मामला दायर हो सीबीआई तदंत पर आवेदन करा सहित 25 लाख टंका क्षतिपूरण दावी हो। तबे सरकार डीजीपी नयागढ़ एसपी को पक्षभुक्त कर सहित नयागढ़ एसडीपीओ और नयागढ़ सदर आईआईसी को पक्षभुक्त कर मामला टी हाईकोर्ट में दायर हो भारतीय विकास परिषद पक्षर यह मामला दायर होने जानते जोभली भाव देढ़ मस बीतीगला परी हत्या अपहरण हत्या घटना को बर्तमान सुधा परी को न्याय मिल पारे जो परीर बापा माँ गोटे दिन पूर्व आसी विधानसभा आग को आसी आत्महत्या उद्यम करते सबु सत्ते मंत्री अरुण साहू का ना सामना को आसला एवं ता सहित जी रही नयागढ़ एसपी प्रतीश दिवाकर नाम सामना को आसला किंतु केवल क्राइम ब्रांच को तदंत भार दे सरकार चुप बसी पड़े अर्थात विधानसभा प्रसंग उठिला एवं विधानसभा आलोचन कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र को बाचस्पति रूलींग करते बृत्ति रखा कहला और निज बृति में क्राइम ब्रांच तदंत जहाँ कहु जहाँ सूचना दे सारी बर्तमान तदंत भार क्राइम ब्रांच हाथ में रही तेज प्रश्न उठू क्राइम ब्रांच सठिक दिगरे तदंत कर आज अपडेट आसूरी जहाँ बर्तमान अपडेट आसूरी हाईकोर्ट में दायर हो जनस्वार्थ मामला और भारतीय विकास परिषद पक्षर यह मामला दायर हो सहित सीबीआई तदंत पर दावी कर जो मैंने रही सरकार डीजीपी नयागढ़ एसपी या सहित नयागढ़ एसडीपीओ नयागढ़ सदर आईआईसी को पक्षभुक्त कर सहित 25 लाख टंकार क्षतिपूरण दावी कर तबे अधिक आलोचना करवा विश्वजीत दास आम प्रतिनिधि कटकु अच्छा सहित आईनजीवी अच्छा जी आवेदन कर अधिक आलोचना करवा विश्वजीत बहुचर्चित नयागढ़ परी हत्या अपहरण हत्या मामला को पाखापाखी 4.5 मास बीतीगला बर्तमान सुधा परी को न्याय मिललानी। बर्तमान जदिओ तदंत भार क्राइम ब्रांच हाथ में अच्छी तेज क्राइम ब्रांच आग को क्यों दिगरे जाऊँगी ता तो समय कह किंतु आज जहाँ सूचना आसूची जनस्वार्थ मामला हाईकोर्ट में दायर हो आईनजीवी रही प्रतिक्रिया जानवाक चाहिए भाव में कहपर दीर्घ 4 मास ऊर्ध दिन बीतीगले कौन सुफल जेहेतु मिलना परी हत्या घटना बहुत चर्चित नयागढ़ परी एवं समस्ते गोटे कथा कहते हैं जस्टिस फर परी एवं हैशटैग दे समस्ते चाहते कि परी को न्याय मिलो आज जितेबाड़ काली बाचस्पति रूलींग निजे कैप्टेन दिवशंकर मिश्र कही कि यह घटना को क्राइम ब्रांच तदन कर किंतु जेहेतु क्राइम ब्रांच पर कौन भरोसा नहीं आज एक जनस्वार्थ मामला दायर कर हाईकोर्ट में कहुई सीबीआई तदन दावी है निश्चित भाव में आलोचना करें सहित गोपाल जेना अच्छा आडभकेट अच्छा सीधा आलोचना कौन कहे आज जनस्वार्थ मामला दायर कराला कौन प्रयोग कर आज जो मो गोपाल प्रसाद जेना भारतीय विकास परिषद तरफ एक जनस्वार्थ मामला मो अनरेबल हाईकोर्ट पाखरे दरखास्त करी एवं से केस रे मो दरखास्त करी जे केस को जेहेतु आम क्राइम ब्रांच रो फल कौन आम पाइबुनि से केस को सीबीआई की हस्तांतर कर बाह्य एजेन्सी थ्रु रे इन्वेस्टिगेशन करागले प्रकृत दोषी दंड पाइब एवं दोषी नियम परिसर भितर को आसपार राज्य सरकार तो कहते क्राइम ब्रांच तदन कर क्राइम ब्रांच पर भरोसा ना आपर कि सीबीआई तदन कर नहीं सीबीआई कले कौन हम कि जदि पॉलिटिकल प्रेशर थाए जदि कौन एक केस रे 4 मास बीतीगला कौन एक कार्यानुष्ठान ग्रहण करा एवं पॉलीग्राफ टेस्ट सरी तथापि दोषी की धरा पड़ू ना तेणु ये केस रे क्राइम ब्रांच को देले भी आम आशा करूचु कौन किसी हेनी यही केस रे जो भाई कुंदुरे होता जो भाई जगतसिंहपुर होता जो भाई पिपिले होता से ही केस कागज तले वर्ष वर्ष पर रही तेणु ये केस कौन क्या न्याय मिली से आम मुझे फाइल कर भारतीय विकास परिषद तरफ ये केस मु दरखास्त करेस को बाह्य एजेन्सी के दिया जाऊ सीबीआई को दिया गले कोनोसी प्रिजुडाइज काहा को हबो नाही एवं सीबीआई ता कथा अनुसार तार निज अनुसार तथ्य संबलित रेकर्ड अछि से रेकर्ड रे डीएनए टेस्ट भी अछि सब रेकर्ड तांका पाखरे अछि तेणु से केस रे जदि से अनुसंधान करंती ताले निश्चित दोषी निश्चित आईन परिसर को आसीबो एवं दंड पाइबो। सर आज काहा काहा को पक्षभुक्त करा जाइछि मामला केस रे करिछि यूनियन ऑफ इंडिया को करिछि एवं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ओडिशा को करिछि ता सहित डीजी पुलिस की करिछि एसपी सुपरटेंडेंट पुलिस नयागढ़ को करिछि सीडीपीओ नयागढ़ को करिछि एचडीपीओ नयागढ़ को करिछि एवं आईआईसी नयागढ़ सदर को करिछि। सर केतिपण मते
ତା ସହିତ ମୋ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗିଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି, ଯଦି ସିବିଆଇ ଥ୍ରୋରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଏ। କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଦେଲେ ବି କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ହେବନି, ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସିବିଆଇ ଯେହେତୁ ବାହ୍ୟ ପରିସ ମୁକ୍ତ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦିଆଗଲେ କେସ୍ ନାହିଁ। ଏତେଦିନ ଘଟିଗଲାଣି ଘଟଣା, ଯଦି କହିବା ପ୍ରମାଣ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳିପାରିବ? ଅଛି, କାରଣ ପୋଲିସ ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ DNA ଟେଷ୍ଟ ବି ସରିଛି ସେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିର। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ମିଳିଯିବ ତଥ୍ୟ, ଯଦି ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି CBI ଥ୍ରୋରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି CBI ତଦନ୍ତ କରୁ କି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ରାଜ କୁମାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କଲେ? ଯେହେତୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ରୁଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦେବଶଙ୍କ ମିଶ୍ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ 15 ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ଧମୁଖ ବଜ୍ରବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ନିଜ କଲମକୁ ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଡର୍ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାପା ପରୀର ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମର୍ଡର୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅନ୍ଧମୁଖ ବଜ୍ରବେଳେ ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିକ୍ଲେୟର ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ବାହାରେ ନୁହଁ, ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ସେ ଥାନା ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବେ ତାହା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନା କସ୍ପିନ୍ କାଲ କେବେ ମିଳିନି ମଧ୍ୟ, ନା କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ହେବନି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି। ୟେସ୍, ପଲିଟିକାଲ ଚାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 100% ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ CBIକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି କୌଣସି ସେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚାଳନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗା ଏଥିରେ ଧରାଯିବ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଏ ତୁରନ୍ତ ଏ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭରସା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭରସା ନାହିଁ? ତରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ପିଟିସନର ହିସାବରେ ଆଜି ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭରସା ନେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଆରେ ଥାନାକୁ ଦିଆଯାଉଛି କାଲିକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ବାହାରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଣ୍ଡରେ, ସେଇ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡରେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡରେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଆଣ୍ଡରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଥାନା ପୋଲିସ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଅଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 100କୁ ମୁଁ 200% ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ପୁରୁଖା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ଇଏ CBI ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଯଦି କରାଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। 4.5 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ସେଭଳି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, 6 ମାସ ବି ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇବନି। ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ବି ପାଇଥାନ୍ତା, DNA ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାନେ ବାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି, ଦୋଷୀକି ଘଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଜନତା ଆଶାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ହୁଏତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ CBIକୁ ତଦନ୍ତ ଦିଆଗଲେ, ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି? କାହିଁକି ସେମାନେ CBI ଠାରୁ ଏଭଳି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି?
निश्चित भाव गोटे कथा हूँ कहुई कि जोबाइल क्राइमब्रांच से ओडिशा सरकार प्रशासन हाथ में रोचे निश्चित भाव से कहते हैं क्राइमब्रांच तदंत कर निश्चित भाव में कौन सुफल मिलेन से गोटे निरपेक्ष तदंत हो गए सीबीआई तदंत कर निश्चित भाव में कहते गोटे बड़ कथ हूँ जेहे साढ़े चार मस बीतीगला जो नयगढ़ एसपी रही कौन से कार्य ग्रहण करना कौन से अभियुक्त धरा जाए से कहते कि जेहतु एत दिन बीतीगला हे तो आगामी दिन में क्राइमब्रांच हाथ टेक दब जेहतु प्रशासन स्तर में रोचे निश्चित भाव से कहते कि केंद्रीय संस्था जो सीबीआई रही से यहाँ तदंत कर बड़ कथा हूँ जिते बड़े परवर्त शुणा हम हाइकोर्टे से कौन निष्पत्ति नौकर समस्त नजर र जो भाव परी अपहरण हत्या घटना को पाखापाखी साढ़े चार मस बीतीगला जितेबले क्राइमब्रांच को तदंत भार दि जाइए जो तथ्य प्रमाण गुड़िक रही एसबू को नष्ट जथेष समय बीतीगला साढ़े चार मस किसी कम समय नुहे तेज कौन आशा करपे तथ्य प्रमाण सठिक मिल तो निश्चित भाव में देखो जिते बड़े घटना घटी जून मस घटना घटी पाखापा चार मस ऊर्ध समय बीतीगला निश्चित भाव में देखो जिते बड़े घटना घटला तापर से एसपी द्वारस्थ होती मानवाधिकार कमिशन द्वारस्थ होती महिला कमिशन द्वारस्थ होती कितु कौन सुफल मिलना नहीं सबुआड़े बुलला लास्ट को सी विधानसभा सम्मुखें आत्महत्या देवा चेषा करते आज तापर एक पीआईएल फाइल होती जोटी जनस्वार्थ मामला हाइकोर्टे जेहतु परी को न्याय मिलवा दरकार और सीबीआई तदंत आवश्यक रही है जेहतु क्राइमब्रांच ए घटना को घंट गोड़ाए भाई से सीबीआई तदंत कर भावुंत निश्चित भाव में आलोचना करवा क्राइमब्रांच तदंत कले कौन पर भावुंत कि न्याय मिलवनी परी को सीबीआई तदंत कले मिली बोली आज इतिहास जदि आपड़ार विश्लेषण करेंगे ओडिशा पुलिस किंवा क्राइमब्रांचर आप कुंदली केस कहतु क्राइमब्रांच करते पिपिल केस कहतु जगेशपुर केस कहतु एमती बहुत केस अच्छे जोद्वारा आज पर्यटन क्राइमब्रांच तदंतर कौन से सुफल मिलनी कहीं ओडिशा राजनीतिक चाप रही है साढ़े चार मस बीतीगला प्रमाण नष्ट प्रमाण नष्ट जाणी करीआई पाखे जो प्रकार मानने जंत्रपाति न्यू टेक्नोलोजी अच्छी निश्चय से दरकार पड़े से टेस्ट एम्स रु डक्टर आसपारे तेणुक आम मान्यवर मुख्य न्यायाधीश ओडिशा को अनुरोध करुँ तरफ ये पांच वर्ष शिशु परी को न्याय मिलवापी केवल सीबीआई तदंत करे ही न्याय मिलवा नचे न्याय मिल निश्चित भाव में जहाँ शुणुते कि समस्त मुहर से गोटे कथा के परी को न्याय और जदि कह जिते बड़े आसंता दिन में जितेबाला हाइकोर्ट शुणी रिश्चित भाव में समस्त अपेक्षा रहा हाइकोर्ट कौन निर्देश दौरान निहत भाई बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत आप तमाम आलोचना तेज ये थे आम कटक प्रतिनिधि विश्वजीत दास जो भाव सहित आईनजीवी गोपाल प्रसाद जेना से सामान कथा कहते क्राइमब्रांच उपर भरोसा नाई ये भरोसा नाई कहीं क्राइमब्रांच ओडिशा सरकार को अंतर्भुक्त हुए तो प्रमाण तथ्य को नष्ट कर दि जाए और न्याय न मिल पाए जो सीबीआई को दायित्वभार हस्तांतर करने दावी करते जो हाइकोर्ट में जनस्वार्थ मामला दायर होता सहित सीबीआई तदंत दावी कर 25 लाख टंका क्षतिपूरण सहित तो सरकार डीजीपी नयगढ़ एसपी एवं नयगढ़ एसडीपी और नयगढ़ सदर आईआईसी को पक्षभुक्त कर समस्त को तदंत परिसरभुक्त कर आवश्यकता रही है जितेबाला क्राइमब्रांच को तदंत भार दि जाए हे तो सठिक दिगरे क्राइमब्रांच न जापे जब पूर्व इतिहास को आलोचना को आबिना कथा कह कुंदुली कथा कह आदित्य दास कथा कह सब केस क्राइमब्रांच कोटा कोटि फेल मारी तेणु जो भाव परी कुनी झी परी को न्याय से सीबीआई को तदंत भार देवाई दावी कर घटना उपरे खबर उपरे नजर रहइबो आम सहित जोड़िए रही था देखु था अर्गस न्यूज समय सही ब्रेकिंग को यही रखु नमस्कार।